जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। एक अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 जुलाई को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चुनाव लोगों का होने वाला है। ये भिलाई नगर निगम के लिए खबर है और इसके लिए आपको आवेदन भी करना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिसाली निगम क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में बने मकानों का आवंटन लॉटरी निकलवा कर किया जाएगा। लॉटरी सुबह 10 बजे निगम के सभागार में निकाली जाएगी। लॉटरी में ऐसे हितग्राहियों का नाम शामिल किया गया है जो मकान की लागत का 10% राशि अग्रिम रूप से जमा कर चुके हैं। सहायक अभियंता अखिलेश गुप्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास के AHP घटक मोर मकान मोर आस के तहत लक्ष्मी नगर में कुल 36 आवास बनाए गए हैं और इसी आवास के लिए ऐसे हितग्राही से आवेदन मंगाए गए थे जिनके पास आवास नहीं है या फिर वे जो लंबे समय से किराए पर रहे थे। भूपेश बघेल ने कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में हड़ताल पर गए कर्मचारियों के हित में एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कर सकती है। दरअसल भूपेश बघेल 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में होने वाले हैं सम्मिलित, जिसको लेकर के राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के हित में फैसला ले सकती है। बता दें कि प्रदेश के संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। नियमितीकरण के मामले में डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा है कि फिलहाल सभी विभागों की जानकारी मंगाई है, सभी से चर्चा के बाद किसी ही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। बता दें कि चुनावी साल होने की वजह से प्रदेश के अलग अलग विभाग के सरकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं और इनमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, संविदा कर्मचारी, सर्व विभागे संविदा कर्मचारी समेत अन्य विभिन्न विभागों के लोग शामिल हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लगातार झूठ बोल रही है, जिसके बाद उन्होंने मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाया है। और एक बड़ी खबर, जहां आज से पौधा तुहर द्वार अभियान का शुरुआत होने वाला है और कार्यालय में भी वितरण केंद्र रहने वाला है। दरअसल पौधा तुहर द्वार के तहत वन विभाग आज से घरों तक पौधे पहुंचाएगा। इसकी तैयारी विभाग ने पूर्ण कर ली है। इस बार नया ये है कि लोग चाहे तो कार्यालय पहुंचकर भी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। यहां एक वितरण केंद्र खोला जाएगा और इससे लोगों को पौधे लेने के लिए गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पौधा तुहर द्वार योजना की शुरुआत पिछले साल की गई थी और इस योजना का उद्देश्य लोगों को उनके घरों तक पौधे पहुंचाना है, ताकि वह बगीचे या फिर आंगन या घर जिस किसी भी हिस्से में खाली पड़े हैं वहां कम से कम एक या दो पौधे लगाएं। इससे न केवल हरियाली आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी असर होगा। सबसे अच्छी बात यह होगी कि शहर का ऑक्सीजन स्तर भी बढ़ेगा और लोग शुद्ध वातावरण में सांस ले सकते हैं। फिलहाल ये बिलासपुर जिले के लिए खबर है। स्कूली बच्चों को पुस्तक के साथ इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार कॉपियां भी वितरित कर रही हैं। दरअसल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई है। हर साल स्कूली बच्चे को मुफ्त में किताब देने का नियम है और इस साल भी किताबें दी जा रही हैं और इसी के साथ ही पहली बार स्कूली बच्चों को मुफ्त में कॉपियाँ भी मिलने वाली है। शासन द्वारा जिले के सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ कॉपी की आपूर्ति कर दी गई है। कॉपी वितरण करने का मुख्य मंशा है कि बच्चे शिक्षक से ज़्यादा जुड़े और पालकों को आर्थिक रूप से मुक्त हो सके। पाठ्यपुस्तक निगम के द्वारा जिले के प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में भी बच्चों को कॉपियां देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही किसके लिए भी प्रसार के किसी प्रकार का इसके लिए शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूलों की दर्ज संख्या की जानकारी भी मंगाई गई है और इसी के मुताबिक सभी स्कूलों में नियमानुसार प्रत्येक बच्चों को कॉपियाँ सप्लाई होने वाली है। बिलासपुर में राज्यों के संत जुटने वाले हैं। 24 सितंबर को धर्म सभा का आयोजन होगा और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण, लव जिहाद पर रोक लगाने और धर्म जागरण को लेकर देश भर के संतों को बुलाकर धर्म सभा कराने की तैयारी हो रही है। 24 सितंबर को होने वाले इस आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सनातन धर्म संगठनों के पदाधिकारी जुट गए हैं। इसे लेकर रतनपुर में एक बैठक भी हुई है और इस
आयोजन पर चर्चा के लिए धर्मनगरी रतनपुर के सिद्धि विनायक मंदिर में अखिल भारतीय संत समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें विशाल धर्म सभा का आयोजन करने के लिए विषय में चर्चा की गई। बैठक के में प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए संतों ने शहर से लेकर आदिवासी इलाकों में हो रहे धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि सनातन हिंदू धर्म के लोगों में जन जागरूकता लाने और इस तरह धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए धर्म सभा का आयोजन कर समाज को जोड़ने की बात कही गई। स्वास्थ्य विभाग में 135 पदों पर भर्ती होने वाली है। चिकित्सा अधिकारी, सोशल वर्कर, ब्लॉक सुपरवाइजर जैसे कुल मिलाकर 135 पदों के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग में 135 पदों पर बंपर भर्ती निकली है। चिकित्सा अधिकारी, सोशल वर्कर जैसे कुल मिलाकर विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू भी शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कहा है कि जिलेवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, सोशल वर्कर, ब्लॉक सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, काउंसलर, एएनएम और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सपोर्ट स्टाफ, क्लीनर और कुक, इसके अलावा अटेंडेंस, सिक्योरिटी गार्ड के कुल मिलाकर 135 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है और इसके लिए विभाग आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग बेहतर क्रियान्वयन एवं विस्तार करेगा। और अब बालोद से खबर है, जहां हाथियों का उत्पात इतना बढ़ गया है कि हाथी पुलिस कंट्रोल रूम में ही घुस गए। ये जान हथेली पर रखकर के पुलिसकर्मियों ने पूरी रात गुजारी। 10 से लेकर ज़्यादा गांवों में अलर्ट जारी हुआ है। बालोद में हाथियों का लगातार उत्पात जारी है। इसी कड़ी में एक दल से बिछड़ा हुआ एक दंतैल हाथी बीती रात को पुलिस कंट्रोल रूम में जा घुसा। तांदुला जलाशय की ओर से प्रवेश करते हुए हाथी जिला पुलिस कंट्रोल रूम और साइबर सेल के दफ्तर में भी जा घुसा। इसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जान बचाकर भागे, तो वहीं कुछ कार्यालय में छिप कर बैठे रहे। पुलिस कंट्रोल रूम में हाथी के घुसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सभी कर्मचारी एक दूसरे को शांत करते हुए हाथी के बाहर निकलने का इंतजार करते हुए नजर आए। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम से निकलने के बाद दंतैल हाथी बालोद शहर के अंतिम छोर पर चला गया और शहर की गलियों में घूमने लगा। कई लोगों ने हाथियों की तस्वीरें और वीडियो कैमरे में कैद कर ली हैं। और अब खबर है कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल में वसूली पर बवाल होता नजर आ रहा है। रिवॉल्वर लेकर के आपस में दो गुट है वो यहाँ पर आपस में ही भिड़ गए। थाने के बाहर नेताओं में जमकर विवाद हुआ। हॉकी स्टिक और रॉड और साथ ही रिवॉल्वर लहराते ये सभी नजर आए। दरअसल ये खबर आ रही है दुर्ग से, जहाँ पर दुर्ग निवासी राकेश लोचन तिवारी पर बजरंग दल के नाम से अवैध वसूली का आरोप लगाया गया। इस वसूली की शिकायत के लिए पीड़ित के साथ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बजरंग दल के लोग अंजोरा चौकी पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर राकेश लोचन तिवारी के साथ भी बड़ी संख्या में लोग अंजोरा चौकी पहुंचे। इसके बाद दोनों ही गुटों में जमकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख करके पुलिस भी अलर्ट हुई और अन्य थानों के बल को अंजोरा चौकी में तैनात किया गया। इस दौरान कई लोगों को द्वारा हॉकी स्टिक, रॉड और साथ ही साथ रिवॉल्वर भी लहराए गए। चौकी प्रभारी के अनुसार रवि निगम नामक बजरंग दल के व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकालकर दूसरे गुटों के लोगों पर चलाने की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। लोकसभा चुनाव के पहले श्री यंत्र स्थल बनकर के तैयार हो जाएगा। कांग्रेस के राम वन गमन परिपथ के सामने भाजपा श्री यंत्र लाने वाली है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देश भर में 41 धार्मिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी मां बम्लेश्वरी मंदिर के सामने 9.5 एकड़ में डेवलप ऑफ पिलग्रिम्स के फैसिलिटेशन सेंटर में यानी श्री यंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसे विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना और कुछ जमीन विवाद के वजह से इसके निर्माण में देरी हो गई और अब तक 70% काम पूर्ण हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले इसे हर हाल में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव के पहले यह पूर्ण रूप ले लेगा। भाजपा इस पर जमकर प्रचार करेगी। वहीं भाजपा के दुर्ग जिले के प्रभारी राजीव अग्रवाल का कहना है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर, बनारस जैसे स्थलों के बीच छत्तीसगढ़ से श्री यंत्र को शामिल किया जाना गर्व की बात है।
और अब खबर है कि महिला समूहों और गौठान समितियों को 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करने वाले हैं। दरअसल आज बताएं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का भुगतान ऑनलाइन तरीके से करेंगे, जिनमें 15 जून से लेकर 30 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,52,000 क्विंटल गोबर एवज में तकरीबन 5 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान, जबकि गौठान समितियों को 7 करोड़ 79 लाख रुपए और महिला समूहों को 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लाभांश राशि का वितरण शामिल है। 3 दिन में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं 7 केंद्रीय मंत्री। अमित शाह राजधानी में अपनी रात बिताएंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आ सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरा जोर लगाने जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आने वाले 3 दिनों के अंतर्गत केंद्र के साथ साथ बड़े नेता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं का जमावड़ा रायपुर में लगेगा। स्थानीय नेताओं को चुनावी एक्शन मोड में लाने के साथ साथ आम लोगों में इन नेताओं की मौजूदगी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। प्रदेश भाजपा के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को हिट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हर घंटे एक बड़ी बैठक नेता ले रहे हैं। प्रदेश भर से लोगों को रायपुर लाने की तैयारी भी है और इस बीच खबर है कि कुछ और केंद्रीय मंत्री भी राजधानी पहुंच सकते हैं। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रेणुका सिंह और मनसुख मंडाविया जैसी हस्तियां रायपुर पहुंच सकती हैं। इसके अलावा फिलहाल इनके तय कार्यक्रम जारी नहीं हो पाए हैं। और अब खबर आ रही है दुर्ग जिले से, जहां पर कॉफर डैम नहीं बनने की वजह से ब्रिज का जो सेटरिंग है वो यहां पर पूरी तरीके से बह गया पहली ही बारिश में। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पुल में कई खामियां हैं, इंजीनियर ने क्यों नहीं पकड़ा ये समझ से परे है। दरअसल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई है कि आखिरकार क्यों सेंटरिंग प्लेट यहां से ढह कर बह गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी पर सगनी घाट पर बन रहे ब्रिज की सेंटरिंग बहने के मामले में ठेकेदार ने अपनी सफाई दे दी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों ने इस घटना को सामान्य करार दिया, जबकि सिविल गुरुजी की टीम के एक्सपर्ट ने इस ब्रिज को स्कैन कराया तो कई बड़ी खामियां सामने आई है। विशेषज्ञों ने बताया है कि नदी में ब्रिज बनाने से पहले कॉफर डैम बनाया जाता है, ठेकेदार ने इसका निर्माण नहीं किया कुछ एक्स्ट्रा खर्च ना हो करने की वजह से और इसी के चलते ये पूरी तरीके से सेंटरिंग बह गई। टीम ने जो है धमधा ब्लॉक के सगनी गाँव में नदी के तेज बहाव के बीच होकर उस जगह पहुंची जहां ब्रिज का स्लैब था, जो कि उनके साथ सिविल गुरुजी के ब्रिज एक्सपर्ट इंजीनियर विवेक कुमार भी थे और इन्होंने अपनी यहां पर रिपोर्ट पेश की है। 13,000 पन्नों में शराब घोटाले के राज जो है ईडी ने कोर्ट में पेश कर दी है चार्जशीट के माध्यम से, जिसमें कारोबारी ढेबर, ढिल्लन और अफसर त्रिपाठी को मास्टरमाइंड करार दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिन रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की। खास बात ये रही कि ये चार्जशीट 13,000 पन्नों में लिखी गई है। ये चार्जशीट प्रदेश में ईडी की ओर से उजागर किए गए शराब घोटाले के संबंध में थे। एक बड़े से संदूक में दस्तावेज कोर्ट पहुंचे। कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके एपी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि इन लोगों ने कैसे मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारों के साथ बांटा भी गया। 13,000 पन्नों की चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच का कामकाज का पूरा ब्यौरा है। रमन राज में 1,00,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इस बात का उजागर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की लिस्ट में किया। कहा पीएम, ईडी और सीबीआई से लेकर के जांच करवाए और इसके लिए जवाब दे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आ रहे हैं, 7 जुलाई को रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में उनका कार्यक्रम तय हुआ है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहां कांग्रेस का दावा है कि रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में 1,00,000 करोड़ के घोटाले हुए और अब देश के प्रधानमंत्री को इनकी जाँच करवानी चाहिए। बीते दिन राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर रोक की बातें करते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा से जुड़े हो तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। पीएम कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आपके नेता यहां तो गले तक खा रहे हैं। अपने मित्र अडानी के घोटालों पर मोदी की चुप्पी टूटने का इंतजार सारा देश कर रहा है। फिलहाल इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जो है 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर लगाया है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां अरपा में पानी नहीं हो जाने की वजह से अमृत मिशन का फेज टू जो है इस पर ब्रेक लग चुका है। निगम में एक नगर पंचायत, निगम में जो है एक नगर पालिका है, 2 नगर पंचायत है और कुल मिलाकर 17 गांव भी शामिल है, लेकिन अभी भी लोग टूटी फूटी पाइपलाइन पर ही आश्रित हैं। बिलासपुर नगर निगम के सीमा विस्तार के सरकारी फैसले से तिफरा नगर पालिका परिषद, सकरी और सिरगिट्टी नगर पंचायत सहित कुल मिलाकर 17 ग्राम पंचायत नगर निगम में तो शामिल हो गए, लेकिन सिरगिट्टी को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लोगों को अभी भी पंचायत काल की पेयजल योजना पर भी निर्भर होना पड़ा है। पंचायत के कार्यकाल की पानी टंकियां पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं और पाइपलाइन टूट फूट चुकी हैं। पाइपलाइन में लीकेज के चलते 3 साल पहले लिंगिया डी में डायरिया भी फैल गया था और पिछले वर्ष पुराने नगर निगम के तालापारा तारबहार तो डायरिया के कहर से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि पुराने नगर निगम में अमृत मिशन योजना चलाई जा रही है। ऐसे में अमृत मिशन योजना को का ग्रांट नदी है बांध पर आधारित पेयजल योजना को ही मिलता है, इसीलिए खूंटाघाट बांध से बिरकोना फिर शहर में जलापूर्ति के लिए 301 करोड़ की अमृत मिशन योजना शुरू की गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें।